शरवानी स्पोर्ट्स मुकाबला कासमी स्पोर्ट के दरमियान और बहुत ही अच्छा मैच है इस वक्त जारी है। और आपको बताते चले इस बार मीडिया भी आए बंदा सारे काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर हुआ जा रहा है। 5 ओवर में 53 पे पहुँची थी यहाँ पर शरवानी स्पोर्ट। नादिर शाह बॉलिंग कर रहे हैं, उनका सामना करेंगे अफजल और अपील के इशारा लेकिन पैर की जगह पे खामोश, लेकिन बॉलर कुछ जोश में नज़र आ रहे हैं। आई थिंक शायद कंफर्म आउट था लेकिन अंपायर का इशारा आखिरी और अंतिम फैसला होगा। शेरवानी स्पोर्ट्स ने अकबर बाबर का आना टीम काफी मजबूत हुई होगी। ओवर पे 58 कश्मीर को एक खिलाड़ी आउट। टक्कर के लिए आमने सामने कश्मीर फोर्ड वर्सेस शेरवानी रिवर्स का दर्जा देने कामयाबी मकसद में ऑफिस असद अवैस में जो कि फर्स्ट क्लास के फील्डर है, बड़े अच्छे के फील्डर है। और कल के मैच में कपूर सिंह ने जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज जो भी जीत जीतेगी 16 फरवरी को कपूर सिंह से फाइनल में बंदे मुकाबले होगी। सीपीएल एडिशन नंबर 2 रिजल्ट के बारे में बताएं। मेहनत और काबिज से और सबसे खास बात शकीर अहमद भाषा जी की सपोर्ट इस टूर्नामेंट को अब तक यकीनी तौर पर दोनों टीमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई और यहाँ पर आदर ने और यहाँ पर दूसरा नुकसान काफी काफी असद आउट हुए हैं। बहुत अच्छे खेल रहे थे लेकिन उस्मान शाह ने आउट किया इनको और नादिर ने इनका कैच पकड़ा है तो 2 विकेट आउट हो चुके हैं यहाँ पर काफी उठाना पड़ा काश्मीर स्पोर्ट्स को हाफिज असद की सूरत में। और बहुत शानदार जिस तरह के आकाश में नजर आ रहा है नजर आ रही है और अभी तक कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि सेमीफाइनल या कोई प्रेशर सिचुएशन। शेरवानी स्पोर्ट्स टीम को साथ ही साथ
हेलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो तमाम शायकी ने क्रिकेट के लिए जरूरी का बोर्ड पर नजर रखे तमाम शायकी बोर्ड पर नजर रखे कभी भी बोर्ड ग्राउंड के बाहर आ सकता है नोटबंद वाले बोर्ड पर नजर रखे और खुद को बचाए अगर शायकी ने क्रिकेट ग्राउंड के बाहर कैच लेने में कामयाब हो जाए तो हर कैच पर ₹1000 का इनाम का ऐलान शायकी ने क्रिकेट के लिए बाकी जिन्हें क्रिकेट की समझ में हो बड़े मेहरबानी वो बोर्ड पर हाथ ना डाले काफी डेंजर हो सकता है तमाम शायकी लोग फरमा ले और मैं अपना हंजरा से गुजारिश करता हूँ इसमें एक कोई यहाँ से हटाए किसी को बोल भी लग सकता है अक्रम हंजरा बड़े मेहरबानी के एक को उठा दे यहाँ सर किसी को बोल लग सकता है बहुत डेंजर जोन पर खड़े आगाही दे रहे थे शाकिर क्रिकेट को शाकिर क्रिकेट के लिए ₹1000 का इनाम है अक्रम भाई से गुजारिश है कि केक को यहाँ से हटा दे बहुत डेंजर जोन पे खड़े हैं यहाँ पर कभी भी गोल आ सकता है पीछे ले जाए पीछे आएगा वो फिर लाएगा तो खाएंगे जोरदार तरीके से खेलने गए थे एक रन मिलेगा यहाँ पे फील्डर मौजूद है बड़ी अच्छी बॉलिंग अक्तर सीपीएल एडिशन नंबर 2 का सेमीफाइनल जारी शेरवानी कप मुकाबला काशी सीसी के दरमियान आज का ये मैच बिल्कुल पीएसएल के नाम जिस तरह दुबई में पीएसएल की ओपनिंग जारी सेम उसी तरह यहाँ पर कराची में पीएसएल को वेलकम करने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया एडिशन 2 का सेकंड सेमीफाइनल पाकिस्तान सुपर लीग के नाम 7 ओवर 62 पे पहुंचे यहाँ पर कासिमी स्पोर्ट और 2 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर जारी है यार और 10 के लिए कैश प्राइज बाकी के 10 चाहिए के लिए ट्रॉफी बोलर ने लिए उस्मान ने बोलर बड़ी जी की फील हो गए बैट्समैन उस्मान शाह हैं बॉलिंग करने और सराय के मुताबिक अभी पता चला है कि अबे यार एक कुर्सी तो भिजवा दे ऊपर तो यहाँ पर रन आउट का खतरा था लेकिन दोनों बैट्समैन अपनी जगह क्रीज पर मौजूद आ चुके थे पीएसएल मनाया जा रहा है दुबई में यहाँ पर भी पीएसएल को वेलकम करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया आप किस तरह से देखते हैं नदीम भाई यकीनी दरबार अक्सर पाकिस्तानी और हमारा फर्ज है पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए इस तरफ ये चल जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर पी एस एल के आगे वेलकम करते हैं ये मुख्य बात है पी एस एल की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी भी हुई है और नौजवानों को भी मौका मिलता है तो यही तौर पर नए टैलेंट भी सामने आएंगे काफी अच्छा शॉट यहाँ पर बैट्समैन का बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर आप शेयर हाँ अनिल भाई जुबान की बल्ले से निकलता हुआ जोरदार चक्का और नए आने वाली वाली टीम को बता दी चले जवाब जीत कर वे वाली स्पोर्ट्स ने पहले बिल्डिंग का फैसला किया अब तक 8वां ओवर जारी अब तक दो खिलाड़ी विकेट पर काफी स्कोर केक लाओ केक लाओ बल्ला तो थोड़ा तुम्हें बॉलिंग नहीं देंगे लेग स्पिन लेग स्पिन मैं कैसे लाऊं भाई कैमरा टेंशन नहीं लगा सर अपना उनको बोलो ना
बोल तो रहा हूँ लाइक कमेंट और शेयर करने वाले को बाइक का इनाम।
खबर में जिस तरह आपने कैच लिया बिल्कुल आसानी से, तो आप किस के खेलते कहां से खेलते, किस टीम से, कहां से, कहां से रहते हैं? तो आपने जो आज कैच लिया यहां पर 1000 रुपए जीतने में कामयाब, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या सोच में रहे थे आज मैच देखने ग्राउंड में, कैच पकड़ूंगा और जरूर कुछ ना कुछ इनाम जीतूंगा, क्या लगता है आपको? और ये जो पीएसएल यहाँ पर दुबई में आज से जारी है, तो पीएसएल के मैचेस देखते हैं आप इस बार पहुंची है यहाँ पर 9 ओवर 91 पे पहुंची है यहाँ पर काश्मीर स्पोर्ट, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अफजल खान आउट होकर पवेलियन से वापस जाते हुए इंडोर से अवर नंबर 10 10 वाले यहाँ पे मुकम्मल हो गए।
10 ओवर 98 और दो विकेट के नुकसान में। तो यहाँ पर मैं तमाम चाइनीज को दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़े मेहरबानी गोल पर नजर रखे, खुद को बचाए। अगर क्रिकेट का जिन्हें समझे वो जरूर। बहादुर भाई ये ओवर स्कोर है 98 10 ओवर 98, दो विकेटों के नुकसान पे। अफजल की अच्छी बैटिंग, 62 रन की शानदार रनिंग के लिए अफजल खान। तीन आउट हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा अकरम भाई, वो लोग ट्राई करें जो क्रिकेट खेल रहे हो, जिनको क्रिकेट की समझ हो। बिल्कुल सही सिब्राइम कमोल ट्राई कर सकते हैं। 98 रन हो चुकी है काफी स्पोर्ट्स टीम की। नहीं आने वाले बॉलर मोहम्मद नवाज भोई बड़े अच्छे बॉलर है शेरवानी स्पोर्ट्स के। अनिल भाई आपको याद होगा बैक टू बैक टू मैचेस में अपनी बॉलिंग कारगर्दगी पर मैन ऑफ द मैच के जवाब दे रहे थे मोहम्मद नवाज। यकीनी तौर पर मोहम्मद नवाज को यहाँ पे सफर का खेलना होगा काजमी स्पोर्ट्स की टीम को। मोहम्मद नवाज एक ऐसे बॉलर है। थैंक यू बहादुर भाई। बोल रहे अक्षर क्रिक और स्किल शामिल है। हाँ तीन आउट हो चुके हैं। से पैसे रखो इस बार एक बनाने में कामयाब हुए। बिल्कुल मोहम्मद नवाज पिछले दो मैचेस में कंटिन्यू मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने में कामयाब हुए थे। बॉलिंग परफॉर्मेंस पर बात की जाए तो मैच नंबर टू में बेहतरीन बॉलिंग, चार ओवर्स में 19 रन देकर 5 विकेट लेने में कामयाब। जबकि दूसरे मैच में 3 विकेट लिए थे, सिर्फ 11 रन दिए थे 4 ओवर्स में। बिल्कुल मोहम्मद नवाज एक बार फिर रिफाई दास के लिए गई इजाफा। अगर बात की जाए दोनों टीमों की कॉम्बिनेशन की, अगर शेरवानी की बात मोहम्मद नवाज है तो काफी जोर से जानवी का और तैयार कौन की। बिल्कुल तहीद को भी नहीं भूलना चाहिए। अब तक अगर बात की जाए तो बेहतरीन बोली बात तक करने में कामयाब। फिर जवाब पर मौजूद लाला अरफत एक स्कोर यहाँ पर देने में कामयाब। सीपीएल एडिशन नंबर टू का बड़ी चीजें धरने न जाते थे लेकिन मना किया नॉन स्ट्राइकर ने। और नए स्ट्राइकिंग जितने भी आए वो अपने थ्री डो पर जरूर हासिल करे। वसीम के मुताबिक 200 से ऊपर प्रेशर जा चुके हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 500 से 1000 लोग मौजूद हैं ग्राउंड में। कटकट में कामयाब फिर जाकर तो हो जाएंगे लेकिन कोई बैटी बॉडी के बाद 4 रन के लिए। कैमरा मैन से गुजारे से अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो यहाँ पर आ जाए हमारे कैमरा मैन इजाज बेंगल। 11 के फिनाम पर 105 रन हो चुके हैं काफी जोर से टीम की। इश्तियाक अहमद बड़ा मेहरबान यहाँ पर आ जाए। इश्तियाक अहमद 11 ओवर 105 रन हो चुके हैं काश्मी स्पोर्ट्स की टीम की। 11 ओवर 105 काश्मी स्पोर्ट 3 विकेटों के नुकसान पे। फजल सुबान और उबेर इस वक्त बैटिंग में मौजूद। फजल सुबान जो कि बड़े अच्छे बैट्समैन है और नए आने वाले स्ट्राइकिंग की विकेट से गुजारिश है कि टोकन जरूर हासिल करें क्योंकि मैच के बाद आपके लिए कैश प्राइज के इनाम है। 20 खुश नसीब चाहिए क्रिकेट को आज इनाम दिए जाएंगे। बिल्कुल 20 शाइकिन के लिए 10 के लिए कैश प्राइज 10 के लिए ट्रॉफी यहाँ पर कुरानदाजी होगी मैच के सरदरी के फौरन बाद। तमाम शाइकिन नोट पर वाले टोकन संभाल के रखे वापस करने में कामयाब। जल्दी करनी पड़ेगी रन आउट का चांस लेकिन हमारे यहाँ पर मीडिया
इस बार पंच करने में कामयाब थी जब हमें मौजूद हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर इम्तियाज जखरानी से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाए इम्तियाज जखरानी के लिए शर्ट का प्रोफाइल यहाँ पर कराची किंग्स का कैमरा मैन से गुजारिश है कि इस बार पंच करने में कामयाब थी जब हमें मौजूद नदी फिल्डे फजल सुबान और उनके साथ उबेर ये पार्टनरशिप एस बी आई एस हो गई काम की के लिए उसमें सामना करेंगे दिफाई क्योंकि मना किया रन देने से 112 रन जारी खेल यहाँ हो चुका है और 112 रन पे पहुंची है कासमी स्पोर्ट 3 विकेटों के नुकसान पे। सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की खबर टीम ने तो आज देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई। सीपीएल का एडिशन नंबर 2 जारी बिलावल स्टेडियम हारू मेडल में सेकंड सेमीफाइनल जारी आए हुए मॉजिस मेहमान ग्रामीण को खुशामदीद कहते दोनों टीमों को वहां पर खुशामदीद कहते सीपीएल एडिशन नंबर 2 का स्टेज सजेगा इंशाल्लाह 16 फरवरी हरोज हफ्ते के दिन। आज सीपीएल का मुकम्मल दे पाकिस्तान सुपर लीग के नाम फुल टॉस के पंच करने में कामयाब फील्डर वहां पर मौजूद एक स्कोर यहां पर देने में कामयाब एडिशन नंबर 2 का सेमीफाइनल जारी 2 का सिचुएशन दोनों के लिए पर काश्मीर स्पोर्ट का 14 खिलाड़ी भी आउट हो चुके हैं। यहाँ पर मोहम्मद आवाज ने आउट किया है, यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद आवाज, उनका साथ कैच का साथ दिया है हैदर अली ने, 2 कैच पकड़ चुके हैं हैदर अली। जिस तरह मोहम्मद नवाज की गोली जाए तो साथ साथ अगर मोहम्मद नवाज की बैटिंग पर नजर डाली जाए तो साथ साथ गोली के साथ काफी अच्छे बैट्समैन भी है, काफी हार्ड हिटर बैट्समैन है मोहम्मद नवाज। लेकिन आज यहाँ पर असल इम्तिहान दोनों टीमों का कासमी सीसी और शेरवानी डॉल्फिन के लिए इंतहाई अहम मैच। और साथ साथ सीनियर प्लेयर इमामुद्दीन को भी हम यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। इमामुद्दीन की बात की जाए तो 2006 और 2007 में दुनिया
وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتا رہتا ہے بڑی اچھی گیند دفاعی درجے کے لیے گیند کا اضافہ تیرواں اوور جاری محمد نواز بڑی اچھی گولی کرتے ہوئے نئے آنے والے شائقین سردار کی اپنی ویڈیو پر ضرور حاصل کریں میچ کے بعد بھی خوش نصیب کامیاب ہوئے ایک رن کا اضافہ ہوگا رضوان کی بیٹنگ بہت اہم ہوگی اگلی دفعہ کافی اسپورٹس کی ٹیم کے لیے کیونکہ رضوان رن چراتی ہے اچھی کی پلیئر ہے تو شائقین نے کرکٹ دوبارہ نوٹ پر مالے بول پر نظر رکھے ہر کیچ پر 1000 روپے کا انعام لیکن وہ شائقین کیچ پر ہاتھ ڈالے جنہیں کرکٹ کی تھوڑی بہت سمجھ ہو باقی وہ اپنا بالکل ہاتھ نہ ڈالے فلڈر کے لیے لانگ چیز لیکن دو رن مقدر ہوئے یہاں پہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں بیٹسمین جو اوور یہاں پہ مکمل 13 اوور پہ 121 پہ پہنچی ہے یہاں پر کاشمی اسپورٹ 13 اوور 121 اور 4 آؤٹ ہو چکے ہیں کاشمی اسپورٹ کے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خود حفاظت کرے بورڈ کبھی بھی کہیں پر بھی آ سکتا ہے تمام حضرات نوٹ فرمانے میں بار بار تمام حضرات میں یہاں پر آگاہ کرتا جاؤں کہ بورڈ پر نظر رکھے اپنی سیفٹی خود رکھے بالکل دو ٹیموں کی ٹیموں کو رنس کی ضرورت ہوگی وہ ایک ایریا بالکل ٹارگیٹ نہیں کریں گی وہ جہاں بھی آئے وہاں چکر ضرور لگائیں گی تو شائقین کرکٹ تیار رہے بروکاس رہے خاص طور پر اپنے بچوں کی حفاظت کرے دفاعی اندازے کے لیے رضوان ایک رن میں ہمیں ملے گا مظاہرہ اس کا 14 اوور جاری بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے کافی چھوڑ سکتی شیروانی کی اور پھر مقابلہ قاسمی سی سی کے درمیان آئے گی خطرناک انداز بھی ہو گئے رضوان شائقین کی اگر بات کی جائے اب تک صرف دو شائقین کرکٹ کیچ پکڑنے میں کامیاب ہوئے اور دونوں کا تعلق لوگ سنائے کہ مسلم ڈاؤن سے سرور میکر کو نشانی کر دیا پلٹوں کو مزدور کرتے ہوئے آج حکیم کا بند تمام شائقین کرکٹ اپنی قسمت آزمائیں گے وہ بھی بالکل فری ایک رن کا مزید اضافہ اس ٹورنامنٹ میں سی پی ایل ایڈیشن نمبر 2 میں صرف پلیئر کے لیے انعامات نہیں بلکہ شائقین کرکٹ بھی انجوائے کرتے ہوئے کل 20 شائقین کرکٹ کے انعامات وصول کیے جس میں زید میکر انیس میکر اجاز میکر تین میکر شامل ہیں 20 میں سے Rizwan,
बेहतरीन बिल्कुल निकालने में कामयाब हुए रिजवान, इसी तरह के रन चुराएंगे। उस्मान एक बार फिर बिल्कुल अंजाम पर तैयार, शाइकिन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद, कल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शाइकिन क्रिकेट, कल के रिकॉर्ड पे 3269 शाइकिन के बैच जीत। आगे देखा आज दिन में पर 5000 हो जाएंगे बच्चे। तो अब मैदान यहाँ पे 14 ओवर के प्रोग्राम पर 127 रन, 14 ओवर 127 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे कासमी स्पोर्ट, 14 ओवर 127, 4 विकेटों के नुकसान पे कासमी स्पोर्ट। विकेटों के नुकसान पे काफी अच्छी यहाँ पर कमबैक किया है यहाँ पर शर्वानी स्पोर्ट ने, काफी अच्छे रन रोक लिए हैं यहाँ पर। हमारे स्पॉन्सर रहे हैं, यहाँ पर
दिए गए थे और साथ साथ उसके बाद शायदी ने उनको कैश प्राइज दिए गए थे। पहला शायदी के लिए तीन मोबाइल, दूसरे पर शायदी के लिए दुबई में तीन मोबाइल, जबकि फर्स्ट शायदी के लिए यहाँ पर कैश प्राइज है। फाइनल के लिए 16 फरवरी पर संस्था यकीन तौर पर जो जाएगी क्रिकेट, अगर ये मैच मिस करेगा तो यकीन तौर पर पछताएगा आएगा, क्योंकि तारीख में बहुत बड़ा फाइनल बिल्कुल। तो नदी भाई जिस तरह से इब्राहिम कबूर को गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाए, पांच ओवर का मजीद के लिए यहां पर बाकी ढाई का मैच, सेमीफाइनल इंतहाई अहम मैच दोनों टीम के लिए। एक कवर किया दोनों खिलाड़ियों ने, अकबर बाबर है बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाथ पकाए बंदा यकीन तौर पर पांच वर्ष का खेल। अब जरा आकाश भी फोर्स के लिए बैक से नरेश करेगी, यहाँ पे इस बार डाइव करने में कामयाब, फिर दरबार में मौजूद है, एक गिरन का इजाफा होगा। और इस ओवर के बाद शायद ही निकल के कैच पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। खूबसूरत गेंद फिर करने गए थे रिजवान, लेकिन कामयाब नहीं हुए अपने मकसद में। बड़ी अच्छी बॉलिंग जारी अकबर बाबर की जानिब से। रिजवान किया, एक रन यहां पर बनाने का मौका होगा। तो यहां पर 16 ओवर मुकम्मल हो गए, 146 पे पहुंची है 16 ओवर पे, 4 विकेटों के नुकसान पे काफी अच्छी बैटिंग करते हुए रिजवान। 16 ओवर 146 रन, एक बार फिर मोहम्मद नवाज आए गेंद करने के लिए, मोहम्मद नवाज और तोहिन खान आज भी सोची दोनों बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर है। शाइकी ने क्रिकेट से गुजारिश के बोल पर नजर रखे, कभी भी कहीं पर नहीं आ सकता है, जिन हजरात के साथ बच्चे हैं तो वो बड़े मेहरबानी अपने बच्चों के फादर फुट करें। पंच करने में कामयाब, फील्डर बाद में मौजूद, एक स्कोर यहां।
نمبر لینے میں کامیاب. سی پی ایل ایڈیشن نمبر 2 کا دوسرا سیمی فائنل جاری. پہلا سیمی فائنل کل کھیلا گیا تھا یہاں پر, کامیابی حاصل کی تھی قبول ٹیم نے. ایس ایس کے خلاف محمد نواز کے بولر, اس بار گول ہوا میں فیلڈر نیچے آتے ہوئے گول پر پہنچنے میں ناکام, دو اسکور یہاں پر لینے میں کامیاب. تو یقینی طور پر انگریزوں کا کال ہے, کیچز بیٹری میچز اہم میچوں میں اس طرح کے اہم پلیئروں کو کیچ گرا دینا یقینی طور پر میچ گرانے کے برابر ہوگا. جنہیں سمجھ نہ ہو وہ بالکل گول سے دور رہے. اس بار تین پہ تین چھکے یہاں پر رضوان نے مارے نواز کو, بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے رضوان. سترہ اوور کے اختتام پہ 168 کافی اچھی بیٹنگ یہاں پر رضوان کی. پہلا سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کی تھی قبول ٹیم نے. شخص
प्लस नोट पर वाले हर टीम के लिए यहाँ पर कैश प्राइजेस, बेशुमार कैश प्राइजेस। अगर किसी टीम का दोबारा शर्ट के साथ नहीं आया तो वो उसके कैश प्राइज पर कमेटी का हक होगा नोट पर वाले। भारत भाई अल्लाह तो नदीम भाई शेरवानी लौटे तो मुकाबला काशी सीसी के दरमियान कहेंगे किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को। तो अभी सरकार दोनों टक्कर की टीमें आपके सामने हैं लेकिन काशी की बेहतरीन आगाज शुरू में और इख्तिताम ने मुसलसल तीन गेंदों पर तीन छक्के लगाकर ये ऐलान कर दिया है कि मैच इज नॉट ओवर। और यकीन तौर पर एक बड़े टारगेट की नाते जाएंगे काशी फोर्सिंग टीम। अगर शेरवानी छोट की बात की जाए तो सरफेरस नामों की उमर यूसुफ फिर हैदर अली उस्मान खान शेरवानी की भी बैटिंग के लिए मजबूत अक्सर बाबर मौजूद है और सबसे बढ़कर आने का लाला अरफत में भी हिस्सा है। बिल्कुल बेहतरीन वेटिंग लाइन बहुत बड़ी वेटिंग लाइन यहाँ पर शेरवानी डॉल्फिन की टीम पर नजर डाली जाए। और तेजी से आगे रंग मुकम्मल करती है इसके साथ ही 50 रन मुकम्मल हुए रिजवान की सिर्फ 18 गेंदों पर 50 रन बनाए रिजवान ने लाइन बनाते हुए नाम लेने तौर पर पहली बार सुन रहे इससे पहले शाकिब चिंगारी हुआ करते थे लेकिन अब जब से एसपीएल का यहाँ पर आगाज होगा विकेट कीपर चार रन के लिए ¡Gracias!
भी गा ले ज्वाइन किया है
पावर ट्राई लेकर होगा ये पूरी तरह से भाई चार रन के लिए अब्बास एक और चौका जोगी के पास 192 इसका आखिरी ओवर जारी अब्बास ने पहली गेंद को जोरदार तरीके से खेले और चार रन हासिल किए एक बार फिर लपेलों के साथ गेंद की गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए वहां पर फील्डर मौजूद है एक ही रन पर कृपा करेंगे दोनों बैट्समैन इश्तियाक अगर मेरी आवाज सुन रहे तो इश्तियाक अहमद अगर भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज जामगढ़ ग्रेव रोड से मोहम्मद नवाज के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद है स्वागत आउट हो जाएंगे यहाँ पर देख रहा होगा आउट हो गए पाए का इशारा तो उमेर यहाँ पर आउट हो जाएंगे सॉरी हम्माद अय्यूब आउट हो गए यहाँ पर तो आप आए हैं बैटिंग करने के लिए सुहेल एडिशन नंबर 2 का रनिंग फाइनल जारी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना है तो आज मैच जीतना है दोनों को छोड़ के भरवा के फिर चले दुकान पे जहाँ जाना है यादव मैंने बताया था कि बड़ी तादाद में मोहम्मद नवाज को सपोर्ट करने के लिए आए जिनमें जाहिद असर उमेर अली और मोहम्मद वसीम जो कि बड़ी तादाद में मोहम्मद नवाज को सपोर्ट करने के लिए आए मोहम्मद नवाज जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए इस टूर्नामेंट में लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग ने की काबिल जीत है मुसलसल 3 गेंदों पर हैट्रिक मुकम्मल की चक्कों की इस बार के लिए फील्डर वहां पर मौजूद है रन बना दूसरे के लिए बड़े गिरा है कीपर और इस हिसाब में बड़ी अच्छी रनिंग की फील्ड कर रही थी बिल्कुल टीम की रन चलाते हुए इस वक्त काफी सीसी की टीम 199 रन का टारगेट होगा 199 तो नोट फरमा ले 10 मिनट के बाद यहाँ पर सेकंड इनिंग का आगाज होगा दोनों टीम के नोट फरमा ले सिर्फ 10 मिनट का यहाँ पर वक्फा है 10 मिनट के बाद यहाँ पर तो 199 का टारगेट दिया यहाँ पर काश्मी स्पोर्ट ने यकीनन बहुत बड़ा टारगेट है और बड़ी मजा आएगा इस टारगेट को चेस कर शर्वानी किस तरह करेगी वो हम सिर्फ 15 मिनट बाद दिखाएंगे आपको तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ग्रुप
कैमरामैन शेरवानी डॉल्फिन ग्रुप में लेते हुए उसके बाद काफी सीसी की टीम के ग्रुप में किया जाएगा। सेकेंड सेमीफाइनल 199 का टारगेट मुश्किल जरूर लेकिन कामयाब नहीं। कभी की बात की जाए तो बेहतरीन बैटिंग लाए शेरवानी डॉल्फिन की टीम। सिर्फ 10 मिनट का यहाँ पर वक्त होगा, 10 मिनट के फौरन बाद यहाँ पर सेकंड इनिंग का आगाज होगा। एक 140 का टारगेट है यहाँ पे घूम करने ताकि पूरा नजर आऊ। शाहिद खान लेजेंडरी बैट्समैन पीसीबी रीजनल खेले हुए हैं। इधर शेख भाई और शाहिद भाई शेरवानी स्पोर्ट्स के तरफ से उतर जा रहे हैं। तीन आउट का सदुक बचा क्या लिखा है देख ले एक मिनट इधर जा मैं टाइम भर रहा हूं। सदुक भाई किधर है अभी किधर है तू बच्चा बना हुआ यार बढ़िया किसी बात कर इधर भाई कह रहे हैं सिद्धुक भाई 199 का टारगेट बहुत मुश्किल है लेकिन नमकीन नहीं। एक 199 यार क्या सैम भाई यार इसको जरा समझो यार आ गया वो क्या हुआ क्या हो गया भाई तुम लोग ये देख रहे हो बंदा मर रहा है वहाँ पे कपड़े की बॉल बॉल आ गए अबे कैमरा मैन कब लगी बॉल मीडिया को मार दिया अबे इसको बॉल कब लगी अबे अभी लगी है कैसे लगी अबे दिल पे लग गई इसके पीछे लग गई अबे भाई इधर दिल इधर कौन सा दिल होता है हैं माला पदार्थ वाला बॉल आती है
बहुत चिल्ला रहा था यार ये मतलब उसको मुझे छोड़ो तो मुझे छोड़ो बाकी आप लोग इंटरव्यू तेरा याद देख लो तुम इधर बैठ जाओ ना कुर्सी पे वो दूसरा मोबाइल छोटा दिखा इसको लगा के दो गिरा दिए यार कोशिश क्या होगी क्या हो मर रहा है क्या लगा ही नहीं आता ना मुझे लगा के नहीं जा रहा मोबाइल और मोबाइल देना और जो मोबाइल तुम्हें शाप दे दिया है मुझे कोई नहीं दिया मुझे कुछ नहीं दिया उसने ये मोबाइल रखा है बस आपका चाहिए क्या कर रहे हो मोबाइल गिरा दो मेरा मुझे गिरा दो मोबाइल नहीं गिराओ भाई तेरे लिए बहुत बड़ा प्राइज रखा है तो मैं तो दे रहा हूँ ना यार सबको छोड़ के यहाँ अकेला बैठा हूँ भाई आपकी एहसान है भाई हम भी अपनी दोस्तों को वैसे रिकॉर्ड कर दिया हमने रिकॉर्ड कर दिया कि नहीं एसी ला के देखो लाखों रुपये लगा रहा हूँ आपको नहीं पता मीडिया कैसे आती है ऐसे थोड़ी आई है योगी ये समझते हो तुम बगैर पैसों के थोड़ी आई है कीपिंग पैड मांग रहे हो सेठ भाई कुछ भी नहीं आएगा छोड़ शाहिद भाई दी ग्रेट तुमने डाला हुआ गलत है ना चनाब क्रिकेट अकेडमी के सहमी नंबर टू आसवी स्पोर्ट का मुकाबला तैयार हो शादी
इसको खोल के नीचे से निकाल लो इसे, इसको नीचे से निकाल लो। थैंक यू अकरम कपूर फॉर योर सर्विसेज। देखे कल पता क्या हुआ, एस एस कलार टूर्नामेंट की बड़ी टीम थी, उनका दिल छोटा था, अली सिराज पे इतराज हुआ और कादिर पे। अकरम भाई क्या यार, कौन सा तरीका था, 10 मिनट दिया है ना, ऐसा नहीं होता यार अकरम भाई। ओके सर, ओके अकरम भाई, भाई सुनो बेड लाइट हो गई, अकरम भाई, अकरम भाई शुरू करो यार, शुरू करो यार, अगर किसी को प्रोफेशनल बैटिंग देखनी है तो वो मैं यूसुफ को देखे, बहुत बैट्समैन है शिरपानी स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं इस टूर्नामेंट में। तो आगाज 199 का टारगेट शाइकी ने क्रिकेट से गुजारे से के बोर्ड पर नजर रखे, बच्चों से गुजारे से के बैठ जाए, तमाम बच्चों से गुजारे से बैठ जाए भाई। स्पॉन्सर रास्ते में ही है, साइकिल के क्रिकेट से गुजारिश है कि बिल्कुल गुजारिश है की बोल बोल नजर रखे क्योंकि जहाँ है जो जहाँ है भाई, अभी जरा लाइव दिखानो तुम लोग कप्तान। ये आज का शेरवानी स्पोर्ट का मुकाबला काश्मीर स्पोर्ट के दरमियान सेकंड सेमीफाइनल हो रहा है, 199 का टारगेट यहाँ पे दिया है काश्मीर सीसी ने और अभी इनिंग दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है, हम आपको मैच की तरफ ले जाते हैं। शाबाश शाबाश
ट्रेनिंग लेनी है, बैटिंग सीखनी है आपको, तो मैं यूसी की बैटिंग देगी क्लास ले रही है प्रोफेशनल शेरवानी स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी करती है। बड़ी अच्छी रनिंग फिल्मी तो विकी और नए आने वाली शाही की टीम को बता दी चलेगी और जीत कर पहले बैटिंग को और एक और चौका वो लेगा स्कोर का वो लेके खतरनाक विक्री जोड़कर से खेलना चाहते थे लेकिन तौहीद खान अभी तक लगी रहे बिल्कुल रणदीप भाई तौहीद खान पिछले मैच के हीरो हाँ दिल भाई किधर रह गए बहादुर भाई 199 का टारगेट है काश्मीर स्पोर्ट ने 199 का टारगेट दिया यहाँ पर आज के हमारे स्कोरर शब्बीर मेकर और हमारे हमेशा की तरह साउथ मास्टर गुलाम मुस्तफा धोई और साथ साथ नदीम पेंगा समद पेंगा नंदन पदा खरादर काफी सपोर्ट है परिषद नंबर टू में ओवर स्कोर अभी पहले ओवर खत्म हुआ है उसमें आए पहले ओवर में किससे पहले ओवर में 13 आए थे एक ओवर 13 जो कोई आउट नहीं है आवाज सही आ रही है बहादुर भाई बताते आपको अगर थैंक यू बहादुर भाई चैंपियन गबोर की फाइनल में मौजूद है Oh,
एनिमल तो आपको याद होगा सीपीएल फिनिशर नंबर 1 की चैंपियन टीम कंबोडिया इस बार दोबारा फाइनल में, तो किस तरह से देखते हैं आप सीपीएल फिनिशर नंबर 1 की टीम को, किस तरह से देखते हैं? क्लास बैटिंग में हमें हिस्सूस पास बोलर को जिस अनुसार भी गिनती है, इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो विराट को भी एक नाम है। शेरवानी डॉल्फिन की टीम आज जीत जाता है तो रात का डिनर उनके लिए शेरवानी डॉल्फिन के लिए। होटल में दो शब्द सामना करेंगे इस बार पंच का बताया दो ओवर 26 कोई आउट नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ा है ना शेरवानी स्पोर्ट्स की टीम के लिए, एक भी बॉल नहीं खेली शेरवानी की जान से, एक बड़ा है ना कोई भी टीम कोई भी खिलाड़ी शेरवानी स्पोर्ट्स की अगर सेंचुरी बनाते तो 5,000 रुपए का इनाम तसद्दुक शेरवानी की जानिब से। सीपीएल एडिशन नंबर 2 का सेकंड सेमीफाइनल जारी, कौन सी धोबी ने वो खुशनसीब जो सीपीएल एडिशन नंबर 2 का फाइनल खेलेंगे, तो ये सवाल किया गया था नंबर टीम के पैच पर, टाइम आउट हो चुका है जवाब देने का। उमेर यूसुफ की अपनी टीम के लिए काफी अच्छे शॉट्स खेलने, यहाँ पर कम से कम 7वां चौका यहाँ पर उमेर यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर उमेर यूसुफ। ट्रॉफी एक दफा फिर से आया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर उमेर यूसुफ, सेंसिबल खेल रहे हैं और अब हैदर अपना पहला बॉल खेलेंगे और धूप बनाकर दिला जाने के लिए तौहीन खान बड़े अच्छे बॉलर है। अब पहली बार सामना करेंगे हैदर अली, हैदर अली की बात की जाए तो हैदर अली भी बेहतरीन माशाल्लाह से, मैं तो मैं उससे ज्यादा खतरनाक है।
इस बार बेहतरीन गोल दिखाई देना फाइनल की जानिब से सीपीएल का ऋषभ शर्मा टीम का सेमीफाइनल की अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहां पर तौहीद खान है बॉलर सामना करेंगे हैदर तौफीक एक दफा फिर से अच्छी बॉल यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग तौफीक की जानिब से तीसरा ओवर यहाँ पर चल रहा है उमर यूसुफ स्ट्राइक पे डेंजर मैन उमर यूसुफ और अच्छे शॉट यहाँ पर लेकिन फिल्डर में मौजूद तो ओवर नंबर तीन ओवर पर 34 रन बन चुके हैं यहाँ पर शर्वानी स्पोर्ट्स के कोई आउट नहीं है तीन ओवर 34 जिनमें सबसे पहले सर फहरस्त अब्दुल गफूर मैकर उसके बाद मोहम्मद गुलजार मैकर उसके बाद बारी आई आजी नूर अली की और वक्त के साथ साथ कप्तान हजारी रहे फिर शेर मोहम्मद मैकर की बारी आई और बिल्कुल 2014 के बाद अपनी शपथ मैकर ने कारकर्दगी लीडिंग संभाली मैकर लेवल की 1981 लेकर 81 से लेकर अब तक मैकर लेवल के सिर्फ 5 कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं खतरनाक अंदाज के लिए अपील यहाँ पे जरूर की गई अंपायर का इशारा नॉट आउट एक भाई का एक रन यहाँ पे मुकम्मल और शायद क्रिकेट की निशस्तों में इजाफा होती हुई और इस ग्राउंड के वॉचमैन चौकीदार अब्दुल रहीम सवेलियों के मुताबिक कल यहाँ पे 3269 लोगों ने मैच देखा यकीनी तौर पर रन का रिकॉर्ड आज शायद क्रिकेट तोड़ने के और फाइनल में हम उम्मीद करते हैं कम से कम 10,000 लोगों की आमद होगी और साथ साथ ये भी बता दें मीडिया भी आएगी यहाँ पर मीडिया के चार कैमरे फाइनल को लाइव कवरेज देने के लिए फूल नहीं उठा रहे बड़ी अच्छी ये नजर आई इस बार मेरा एक नजर मिलेगा काश्मी की बॉल उसको यकीन तौर पर डाल देना चाहूंगा यहाँ पे जिस तरह के दोनों बैट्समैन ने रोक के रखा है अभी तक दोनों को हो
खुल कर नहीं खेल सके अब तक बड़ा नाम बाबा क्रिकेट अब्दुल्ला कपूर को निकलता हुआ पहला चौका चारों के बिना पर फोर्टी चालीस रन हो चुके हैं। अंपायर अगर आपको वापस करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। अंपायर का फैसला करिए और अच्छा नवाब के बच्चे पीले चार ओवर 41 रन 199 रन के तहत में एडिशन नंबर 2 जारी स्पॉन्सर बाय अक्षय हाउस सीओ शफी लाशारी और चतावन से ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम की जानिब गवा दवा। आज इस टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल इस वक्त जारी जबकि कल यहाँ पर रेस्ट होगा हफ्ते के दिन 14 फरवरी हफ्ते के दिन 12 बजे से चारों के खिलाफ पर 41 हम यहाँ पर निशानी के लिए एक और लेजेंड क्रिकेटर नसीर यार चेंगल को अपने जमाने की बड़ी अच्छी बैट्समैन इस बार लाइव किया आपको मैं एक अंक का यह आपको बता पाऊंगा बोलिंग में जो बता सकता हो रहा है बोलिंग करने के लिए आप एक क्लास में तो बोर्ड पर नजर रखे तमाम चाहिए के गुजारिश है कि बोर्ड पर नजर रखे कभी भी सही पर बोल आ सकता है। चुप हो जाओ बिल्कुल गैस पकड़ने पे आसान पे का इनाम है चाहिए के लिए है जरा अली के लिए अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा जिसको भी चलते हैं शाहिद मुसफिर आ रहे हैं और वो आ रहा है नीचे दानियल ग्लव्स मंगा रहा है ग्लव्स उन दोनों को पानी और ग्लव्स देके ग्लव्स सही है मंगा रहा है वो मुसफिरा ग्लव्स मंगा रहा सही तो इतने लोग इतने बड़े उस चेहरा कामयाब हुए दूर से भी रखा है आपने जा पाओगे सब पानी भी लेके जाना पानी भी लेके जाना यहाँ नो बॉल मिली उमेर यूसुफ को तो देखना है कि क्या करते हैं उमेर यूसुफ नो बॉल का इशारा अंपायर का और फ्री हिट कम हो गया उमेर को पानी लेके जाना साथ सामना करेंगे पकड़ने के लिए तैयार हो जाए लुक्स लाइक हैदर अली अपना खाता जरूर खोलेंगे चप्पों का पानी भी ले जाना उसके वो भी ले जाना हाँ ना वो अभी मेरे बात कर रहे थे भाई ठीक
नदीम भाई पांच ओवर 64 पांच ओवर 54 पे पहुंची है यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट, कोई आउट नहीं। पांच ओवर 54 5,000 रुपए का इनाम अगर कोई भी सेंचुरी बनाए। सबसे ऐसा शेरवानी की जाने से रात का डिनर टीम के लिए, अगर मैच जीतते हैं तो वालेकुम अरहम भाई, वालेकुम अरहम भाई। 54 और साथ साथ मगरिब का सूरज ग्रुप में जाने दबा दबा। और जो लोग मैच में ग्राउंड में मौजूद नहीं है वो भी लाइव मैच देख सकते हैं फेसबुक आईडी पर शनाब क्रिकेट अकेडमी के पेज पे, भी सब मौजूद है कवरेज के लिए। आएगा चुप भी लूंगा क्या अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर मैं यूसुफ बैक टू बैक 4 रन यहाँ पर लगा चुके हैं और ये रन 50 के बहुत करीब और के 2 रन के करीब यहाँ पर अपनी 50 के लिए काफी अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर मैं यूसुफ की टीम के लिए यकीनन सेमीफाइनल मैच यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल काश्मीर स्पोर्ट का मुकाबला शेरवानी स्पोर्ट के दरमियान और पहली इनिंग में 199 का टारगेट यहाँ पर 199 का टारगेट यहाँ पर काश्मीर स्पोर्ट ने दिया और शेरवानी स्पोर्ट यहाँ पर उसको डिफेंड करते हुए हाँ बॉलर अंपायर क्रॉस किया। अच्छा बहुत अच्छी बॉल यहाँ पर कतई नहीं समझ पाए यहाँ पर उमेर यूसुफ और अपने आपसे नाखुश लग रहे हैं। शेरवानी प्रीमियर लीग एसपीएल जो कि शफीक ग्राउंड में खेला जाएगा 19 फरवरी से स्टार्ट, वहां पे सारे मेहमान और पंजाब के प्लेयर्स होंगे यानी कि लोकल प्लेयर्स को जान दिया गया है। आप राउंड देख सकते हैं यहाँ पर उमेर यूसुफ के आपको मैच की तरफ ले जाते हैं। लास्ट बैटिंग जा रही और सबसे बड़ा कोई रिस्क इसको स्टॉक रोक के लाओ नहीं थी आए 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 और यार ठीक है अरे बहुत ही
और शॉट यहाँ पर उमर यूसुफ का, काफी अच्छी बैटिंग करते हुए उमर यूसुफ अपनी टीम के लिए। ये वाला तकरीबन जी अजरान भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पर उमर यूसुफ अपनी टीम के लिए। छह ओवर में 68 बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए उमर यूसुफ, 50 रन हो चुके हैं उमर यूसुफ के। उमर यूसुफ स्ट्राइक कर रहे हैं, छक्का भाई शॉट, बहुत पावरफुल शॉट यहां पर उमर यूसुफ का, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए उमर यूसुफ। सद्दुक भाई बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए यहां पर उमर यूसुफ, पहुंची यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट, कोई विकेट का नुकसान नहीं, काफी अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर उमर यूसुफ का साथ दे रहे हैदर अली। अफजल भी तो है, बड़ा है।
82 पे पहुंचे यहाँ पर कोई आउट नहीं है। शेरवानी स्पोर्ट कितने लोग देख रहे हैं पता है? 111 लोग देख रहे हैं। हैदर अली सामना करेंगे उमैर का 8 ओवर 82 रन तकरीबन 10 के औसत से रन कर रही अब तक शेरवानी स्पोर्ट्स। सबसे बड़ी बात बाहर भी नुकसान की अब तक दोनों की जोड़ी काफी अच्छा शॉट 4 रन के लिए। अली मोइन टारगेट है 199। अली मोइन टारगेट है 199। कश्मीर स्पोर्ट ने दिया है 199 का टारगेट। आज बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है। बिल्कुल इस वक्त बेहतरीन मुकाबला जारी। विनर टीम का के लिए न्यू भाई इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। नदीम भाई कौन सा टीम? शाबाश शाबाश इधर आ बोला ला। जो न्यू भाई करी है ये कौन सी टीम है? जो साथ चल रही है अगर भाई यकीन तौर पर बुद्धिगार और अच्छा टीम में
अभी तक इस बार के लिए ऐसन भाई करा दिए ऐलान की बरसात पहले वो सेंचुरी मेकर के लिए 5000 रुपए का इनाम, उसके बाद विनर का ऐलान किया था एस एस शेरवानी। अभी अभी जराए के मुताबिक एक और ऐलान मैं आपको बता दूं शेरवानी स्पोर्ट्स के लिए उमेर के लिए एक और डॉट डिलीवरी का इशारा।
शेरवानी स्पोर्ट्स की टीम अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो एसएन शेरवानी की जानिब से 10,000 रुपए का इनाम 10,000 रुपए सर भाई ऐलान करा दिया है सदुक भाई ऐलान करा दिया है हाथ हिला तुम जद टूर्नामेंट के बारे से बात की जाए तो बड़ी मेहनत का इस टूर्नामेंट में यही की तौर पर 5,000 रुपया और सपोर्ट जो कि पूरे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है थैंक यू मलिक भाई रईस भाई थैंक यू और दुष्यंत कुमार अब्दुल्ला कबूर रोड में मैच बांटे जाएंगे यहाँ इधर देख रहे बड़ा मैच यहाँ पे देख रहे हाँ रईस भाई हाय क्या हाल है रईस भाई सब खैरियत है ब्रेक के साथ मार रहे अबे यार मेरे को बोलो मारे यार क्या बात है अच्छा शॉट यहाँ पर उबैर यूसुफ का आउट ऑफ द पार्क आउट ऑफ द ग्राउंड यकीन बॉल ग्राउंड से बाहर बॉल बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर उमैर यूसुफ का 6 रन के लिए उस्मान बॉल दे दे उस्मान भाई कह रहे 100 पे 5,000 सात आदत फटी की मारेंगे दो इनाम भाई भाई तो दोनों भाई अलग अलग ऐलान करा रहे एसएन भाई करा दिया ऐलान 5,000 रुपए का इनाम एसएन शेरवानी की जानिब से शेरवानी स्पोर्ट्स की टीम उमैर यूसुफ तकरीबन करीब हो चुकी है काफी अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पर उमैर यूसुफ बहुत लंबा छक्का मारा है यहाँ पर उमैर यूसुफ ने आउट ऑफ द स्टेडियम ये बॉल गया है यकीनन बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर उमैर यूसुफ की जानिब से यहाँ पर 10 साइड
जी तसदुक भाई जल्दी किसमें करें बॉल, जरा बहुत लंबा शॉट मारा तो बॉल शायद आई थिंक खराब हो गया है, तो उसी को रिपेयर या दूसरी बॉल के लिए इंतजार कर रहे हैं। बॉल के लिए अंपायर जो सूटेबल बॉल होगा वो वही देंगे तसदुक भाई, और मैच अब फिर से शुरू होता हुआ। बहुत बड़ा शॉट मारा यहाँ पर उमर यूसुफ ने, बिल्कुल यहाँ पर तमाम ही शाइकी ने क्रिकेट इस शॉट के लिए बहुत दीवाने हो चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं उमर यूसुफ, यहाँ पर उमर यूसुफ आउट हो चुके हैं, स्टंप हुए हैं आई थिंक। यहाँ पर उमर यूसुफ बहुत बड़ा छटका यहाँ पर उमर यूसुफ के सूरत में शर्मानी स्पोर्ट को, यकीनन यहाँ पर अब मैच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच के। उमर यूसुफ यहाँ आउट हो चुके हैं, यकीनन ऑलमोस्ट 80 पे थे उमर यूसुफ, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे उमर यूसुफ, लेकिन आखिरकार अपनी टीम का पूरा साथ ही दे पाए और आउट होकर पेविलियन पे वापस आते हुए। अरे यार गले में लगा मैं लगातार तो सही हो गया। तो यहाँ पर उमर यूसुफ आउट हो चुके हैं और अब कहाँ हैं डेंजर मैन लाल अरफन। रिजवान बॉलिंग पर और यकीन उमर यूसुफ को आउट करके पवेलियन पे वापस, और अब रिजवान बॉल करेंगे लाल अरफन, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का। तो आए रिजवान अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट पर पंच किया और पहली बॉल पे चार्ज किया, लेकिन खेला लाला ने तो उनका साथ देंगे हैदर, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। यहाँ पर डिफेंस खेला यहाँ पर हैदर अली ने, यहाँ पर हैदर ने शॉट मारा है, एक्स्ट्रा कवर, बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री के बाद चार रन के लिए, बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर हैदर की। तो अब हैदर की बैटिंग काफी अच्छी टेक्निक मिल रही है यहाँ पर शर्मानी स्पोर्ट्स को। मुसफिरा गिलास मंगा रहा है, गिलास लेके जाओ जल्दी जाओ। Hey,
क्या स्कोर हो गया बेटा? उधर चले जाओ, उधर 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 चले जाओ, उधर लाल अरफर सामना करेंगे। अख्तर बॉलिंग पे निशानदेह पे तैयार और सामना करेंगे उनका लाल अरफर डेंजर मैन लाला और पहली बॉल पर लाला भी आउट हो चुके हैं। यहाँ पर निकल के खेल लेते हैं लेकिन काफी अच्छी कीपिंग की यहाँ पर स्टंप कर दिया यहाँ पर लाला, तो लाला भी आउट। तो दूसरा नुकसान यहाँ पर शर्मानी को, बैक टू बैक यहाँ पर विकेट गिर चुके हैं शर्मानी के, तो शर्मानी स्पोर्ट इज ट्रबल। बैटिंग पे जा रहे हैं उस्मान शाह, यकीनन इन्होंने फास्टेस्ट यहाँ पर सीपीएल में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की थी, इसलिए वो सिर्फ 14 बॉलों पे 50 की थी यहाँ पर उस्मान शाह ने। जीतने वाली टीम को रियान बेकर अब होगा असल मुकाबला। शहबाज आपको बताते चले डेंजर मैन साबित हो गया। अगर और यहाँ पर सीपीएल की पहली 50 जो पहली तो नहीं कह सकते लेकिन फास्टेस्ट 50 जो 14 गेंदों पर 50 रन किए थे उस्मान शाह फेस करेंगे अख्तर को। पहली बॉल में चार्ज किया, कट किया, कवर की जाने वापस रह मौजूद, सिंगल बनेगा। सामना करेंगे हैदर, तो हैदर ऑन इज ऑन 25 हैदर आए और सिंगल के लिए खेला इधर ने वहाँ पर फाइल लेग की जाने फील्डर वहाँ मौजूद, सिर्फ सिंगल ही बनेगा। तो अब सेंसिबल खेलना होगा क्योंकि दो नुकसान बैक टू बैक हो चुके हैं यहाँ पर शर्मानी स्पोर्ट्स को। काफी अच्छी बॉल यहाँ पर अख्तर की और हिट लगाना चाहते थे लेकिन कीपर यहाँ पर बीट हुए और वाइट बॉल के 4 रन, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा की सूरत में 5 रन मिले हैं यहाँ पर। यकीन है यहाँ पर शेरवानी को 5 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू शाकिर भाई। 14 फरवरी भाई सिंगल लिया है यहाँ पर उस्मान शाह ने, तो ओवर बाद शाकिर भाई स्कोर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, ओ डिफेंस खेला है इसे बारह ओवर के इख्तिताम पर 116। शाकिर भाई 12 ओवर के इख्तिताम पर 116, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग यहाँ पर उमैर यूसुफ करके गए हैं अपनी टीम के लिए। यकीनन 80 ऑलमोस्ट यहाँ पर बनाए थे और स्टंप हुए यहाँ पर उमैर यूसुफ और उसके बाद लाल अरफ गए थे बैटिंग पे
वो भी स्टंप आउट हुए हैं। तो बताया 48 बॉलों पर यहाँ पर चाहिए 78 रन, 48 पे 78 थैंक यू शाकिर भाई, थैंक यू उस्मान शाह। डेंजर मैन आपको बताते चलूं, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पर उस्मान शाह। फास्टेस्ट 50 भी की थी इन्होंने 199। सनाउल्ला भाई टारगेट है 199 का टारगेट यहाँ पर कासिम स्पोर्ट ने दिया है। अच्छा शॉट यहाँ पर फाइव लेग पर, दो की कॉल है लेकिन एक पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा। उस्मान बॉलिंग कर रहे हैं और उनका सामना करेंगे हैदर अली। यकीनन काफी सेंसिबल खेल रहे हैं हैदर अली, एक हैंड से विकेट सेव किए हैं। तो यहाँ पर उस्मान आए एक दफा फिर से, बोल्ड हो गए यहाँ पर हैदर अली, यकीनन पूरा बॉल यहाँ पर बैठा और बोल्ड कर दिया यहाँ पर रिजवान ने हैदर अली को। तो काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कासिम सिसी की, तो बहुत ही अच्छा कम बैक किया यहाँ पर कासिम स्पोर्ट ने। तो सिद्दीक भाई ने बोला ओवर बात किया ना, थैंक यू जावेद भाई। तो अकबर आए हैं बैटिंग करने, अकबर जवाद भाई, थैंक यू जवाद भाई। और मुख्तार चांदी इस वक्त मौजूद है पाइक के साथ, पाइक को संभालते हुए थैंक यू वेरी मच मुख्तार चांदी। तो अकबर बाबर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, हियर वी गो रिजवान एक दफा फिर से और स्विप किया पहली बॉल पे लेकिन यकीनन बैट पे खा लिए इन्होंने बॉल, तो थोड़ी सी अपील लेकिन अंपायर अपनी जगह पे खामोश। तो अकबर बाबर बैटिंग स्ट्राइक कर रहे हैं रिजवान खान की बॉलिंग का, रिजवान आए एक दफा फिर से पीछे किया बॉल पॉइंट की जानिब खेला लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे कोई रन नहीं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर कम बैक किया कासिम स्पोर्ट ने। पीछा बॉल लेकर सिंगल कर देना पड़ेगा और अच्छी सिंगल यहाँ पर अकबर बाबर की, काफी अच्छा ओवर यहाँ पर यकीन एक रन दिया यहाँ पर दो चार हो सकती है शेरवानी के बैट में ये जोड़ी बॉल होगी। हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए आदिल भाई, नहीं नहीं अभी तो शुरू चल रहा है अभी तो उस्मान कोई नहीं है शाबाश आ रहे हो क्या यार, अभी कुछ पता नहीं है। हाँ डामाडोल है दूसरी चल रही है खत्म पे चल रहा है मैच, आ जाओ शेरवानी स्पोर्ट्स की टीम
सात अवस्था के पति काफी 81 रन करना ये मैच जीतने के लिए काश्मीर सीसी की टीम को आगे अगर जीतना है तो 81 रन करना तो बता देना और अगर शर्मा जी स्पोर्ट्स की टीम को आज जीतना है तो यहाँ पर 42 रन पर 81 रन बनाने होंगे। पहली आसेदार मुकाबला जारी शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर और दोनों टीमों को हम खुशामदीद कहते हैं। एहसन भाई यहाँ पर मैर यूसुफ आउट हो चुके हैं, हैदर अली आउट हो चुका है और लाल अरफत भी आउट हो चुके हैं। तीन आउट हो चुके हैं एहसन भाई, मैर यूसुफ, हैदर अली और अरफत लाला। और वैसे बार बार कनेक्ट कर लिया और चार रन मिलेंगे। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर, अच्छा शॉट अकबर बाबा। ऐसी सिचुएशन अगर इंटरनेशनल की बात की जाए तो ऐसी सिचुएशन पे अब्दुल रजाक खेला करते थे और सीरिया की तरफ से एक सौ 122 पे पहुंचे यहाँ पर। काफी अच्छी बैटिंग है यहाँ पर इब्रार की, अकबर बाबर की काफी अच्छी बैटिंग। तो आप डेंजर मैन उस्मान शाह फेस करेंगे। कोई भी एक ओवर मैच का पासा पलट सकता है। उस्मान शाह, मैंने आपको बताया उस्मान शाह काफी डेंजर बैट्समैन है, स्वीप खेला और 6 रन के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर उस्मान शाह की जानिब से, बहुत ही डेंजर बैट्समैन है यहाँ पर उस्मान शाह। काफी अच्छी बैटिंग है पर उस्मान शाह की जानिब से। अकबर बाबा अपील की लेकिन शायद लेग स्टंप हुआ है तो इसलिए नॉट आउट। 14 ओवर 130 30 गेंदों पर 69 रन दरकार। उनहत्तर रन चाहिए 30 बॉलों पे, 69 रन 69 चाहिए 30 बॉलों का खेल यहाँ पर अभी बाकी है और 69 रन चाहिए। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कहीं जाए मत सब देखें, शेयर पे शेयर करें। बहुत अच्छा मैच यहाँ पर, सेमीफाइनल है, जो जीतेगा वो कबूल किंग से फाइनल खेलेगा 16 को। जब तक उस्मान शाह है तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं उस्मान शाह, यकीन है ना, कुछ नहीं कह सकते आप। उस्मान शाह बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, उस्मान शाह अगर मौजूद है तो यकीन ये मैच वन साइडेड कर सकते हैं। कितने 14 ओवर 130 रन। हाँ तो सॉरी तसद्दुक भाई, 14 ओवर हो चुके हैं, 36 बॉलों पे 69 रन, 36 बॉलों पे 69 रन। थैंक यू तसद्दुक भाई। अच्छा बॉल, एक्स्ट्रा कवर की जा रहे हैं, उस्मान शाह ने पंच किया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, तो एक रन बनेगा।
11 की औसत है यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए। हियर वी गो, मैच की तरफ चलते हैं। सामना करेंगे अकबर बाबर। कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी एक अच्छा ओवर मैच का पासा पलट सकता है। अच्छा शॉट यहाँ पर, पॉइंट मिडिल इंडर रन आउट में खतरा, लेकिन मिस किया है यहाँ पर। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उस्मान शाह की। हेलो मजीद राई, मजीद हेलो हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग मजीद भाई। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे उस्मान शाह, मिस हुए यहाँ पर। शाबाश शाबाश, सीधा सीधा लगेगा, सीधा सीधा। अब यार मान नहीं रहा है। पहला टेस्ट ले, पहला टेस्ट। अगर बात की जाए शेरवानी स्कोर पे तो उस्मान शाह तीन चरण में उनका साथ दे रहे हैं। अकबर और उमेर यूसुफ की बेहतरीन पार्टनरशिप, 41 गेंदों पर 77 रन। उमेर यूसुफ ने चार्ज किया, स्टंप हो गया यहाँ पर अकबर बाबर। तो काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कश्मीर स्पोर्ट की, आउट हो गया यहाँ पर अकबर बाबर। और एक और टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर काशमीसी क्रिकेट क्लब के पास बेहतरीन मुकाबला जारी। सेमीफाइनल अभिषेक नंबर 2 का जारी। बिलावल स्टेडियम पे हम आए हैं बैटिंग करने के लिए। हुसैन अहमद की बात की जाए तो काफी अच्छे बैट्समैन, काफी अच्छे हार्ड हिटर। आज यहाँ पर मुश्किल में शर्मा जी गठबंधन की थी, तो अब एक जिम्मेदाराना रन खेलना होगा यहाँ पर हुसैन अहमद को। बेहतरीन मुकाबला जारी। बैटिंग कर रहे हैं तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ, क्योंकि शर्मानी यहाँ पर बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग का दुबई में आज से आगाज। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर उस सैफ का, हाथ ही साथ ही चार्ज किया, दो रन मिलेंगे यहाँ पर। तो साथ साथ सीपीएल अभिषेक नंबर 2 की बात की जाए तो तमाम टीमों के लिए यहाँ पर प्राइजेस 135 रन हो चुके हैं। 15 ओवर में 135 रन पे पहुंची है यहाँ पर शर्मानी स्पोर्ट्स। 30 बॉलों पे 64 रन चाहिए यहाँ पर शर्वानी स्पोर्ट को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, जब तक उस्मान शाह है तो मैच यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है और होता हुआ, क्योंकि उस्मान शाह एक बहुत अच्छे बैट्समैन है और मैं इनको लाइक भी करता हूँ उस्मान शाह को। इस बार की बैटिंग के बाद अब बोलिंग जारी।
अच्छा शॉट यहाँ पर उस्मान शाह की जानब से, और फंबल हुआ थोड़ा सा, लेकिन एक ही रन बनेगा यहाँ पर। 29 बॉलों का खेल बाकी, तमाम टीमों के लिए कैश प्राइजेस 16 फरवरी हफ्ते के लिए तमाम टीमों के कप्तान खेल के साथ आए तो प्राइज वसूल कमेटी का हक होगा। तमाम लोटर वाले हर मैच पर ये ऐलान किया जाता है, अगर उसके बावजूद भी कोई टीम नहीं आता है तो यकीनी तौर पर वो कैश प्राइज जाएगा कमेटी के बॉक्स में। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पर उससे की है, और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए उस्मान शाह डेंजर मैन बॉलिंग पे है। उस्मान उस्मान शाह चार्ज किया यहाँ पर, लेकिन फिल्टर वहाँ मौजूद, यकीनन सिंगल सिंगल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी यकीनन छक्को चौकों की जरूरत है, लेकिन शायद बैट्समैन को कुछ ज़्यादा ही बैट्समैन को पता होता है कि अंदर क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि विकेट से अभी यहाँ पर शर्माने की बहुत दूर हो चुकी है, तो संभल कर खेलना होगा। विकेट होंगी तो इंशाल्लाह रन पंचे बन सकते हैं। मिस किया यहाँ पर उसैब भाई ने, अदीम भाई के साथ बॉलिंग करती हुई, अदीम भाई यार ये बच्चे हैं ना वहाँ से बाहर करो, अब निकलो उसैब निकलो। बहुत शॉट यहाँ पर, फिर मौजूद है यहाँ पे देखकर का इजाफा, बड़ी अच्छी बॉलिंग करती हुई रिजवान खान। एक ओवर 20 का चाहिए, 30 कौन बनाएगा बड़ी यार, इसीलिए आज से खेल नहीं जा रहा है। तो मुकम्मल हो गए 139 पे पहुंची है, 139 तो 4 रन दिए यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग यहाँ पर 139 16 ओवर। हाँ कितने रह गए अकरम भाई, 24 गेंदों पे 60 रन चाहिए यहाँ पर, 24 गेंदों पे 60 रन, मैच बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ यकीनन। अभी अगर प्रेडिक्टर की बात की जाए तो अगर परसेंट देखे जाए तो ज़्यादातर चांस अभी कासिम स्पोर्ट के हैं, क्योंकि बहुत अच्छी गिरफ्त पकड़ी हुई उन्होंने इस मैच को जीतने के लिए। अगर 70% उनके हाथ में है मैच कासिम स्पोर्ट के, और 30% यहाँ पर शर्मानी के हाथ में। ओपनिंग स्टैंड तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सैफ सामना करेंगे। काफ़ी अच्छी बॉल है, सैफ निकल गए, लेकिन वहाँ पर मिस हिट हुआ, वहाँ मौजूद पहुंची है यहाँ पर 16 ओवर 139 शर्मानी स्पोर्ट। उस्मान शाह डेंजर मैन, हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए यहाँ पर, तो उस्मान शाह की आज किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो बीट पे बीट हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अपील की लेकिन लेग स्टंप छूट गया है, तो यहाँ मना किया है यहाँ पर, तो बीट हो रही है, तो बीट अगर होंगे यहाँ पर तो मैच यहाँ पर यकीनन लूज कर देंगे। उस्मान शाह यहाँ पर काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर कासमी स्पोर्ट के दरमियान बॉलर रुकी, यकीनन यहाँ पर सिंगल का कुछ काम नहीं है, अब सिर्फ छक्के और चौकों का काम है। तो सैफ हिट करना चाहते थे लेकिन नाकाम हुए, सैफ टारगेट है सुहेल ब्रोई 199, टारगेट है 139, तो काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, तो मैच यहाँ पर वन साइडेड होता हुआ। और यहाँ पर अच्छी बॉलिंग लेकिन पारिकार व्हाइट बॉल, तो इसमें भी सिर्फ 3 रन आए यहाँ पर इस ओवर में, तो ये बिल्कुल अच्छा ओवर यहाँ पर कासमी स्पोर्ट के। और हिट लगाना चाहते थे और आउट हो गए यहाँ पर उससे। तो वो तो
अब शेरवानी फोर्स के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई है। क्रिकेट मजबूत करते हुए काम में सीसी अग्रम भाई जिस तरह शाहिकी ने क्रिकेट के शुरू में फेवरेट करा दिया था काफी सीसी को, आपको बिल्कुल याद होगा। और काफी सीसी के जो है यकीन तौर पर 60% लोगों को कह रहा था कि चैंपियन बनेगी सीपीएल एडिशन नंबर टू की काफी सीसी की थी। तो आप आए हैं आउट होने के बाद उस्मान लाला, उस्मान लाला के नाम से जाने जाते हैं, देख रहे थे किस तरह की बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। तो काफी मुश्किल में इस वक्त शेरवानी डॉट वन की टीम, जिस तरह ओपनिंग स्टैंड बना किया था यहाँ पर उमेर उमेर और उनके साथ हैदर अली की जानिब से बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड। विकेट कम के बाद 17 में कितने में 142 तो मैच यहाँ पर वन साइडेड होता हुआ, तो यकीन 18 गेंदों पे अगर आप इसको हिसाब लगाओ तीन रन आए थे पिछले ओवर में, तो 57 रन दरकार है यहाँ पर, 57 रन चाहिए यहाँ पर 18 गेंदों पे। उस्मान शाह जब खड़े हैं मुझे तो उम्मीद है कि उस्मान शाह मैच जितवा भी सकते हैं, क्योंकि अच्छे हिट हार्ड हिटर हैं। अभी तक तो उनके बॉल बल्ले पे आ नहीं रहे, सही मिस हो जा रहे हैं। एयर वी गो, ओ हिट किया यहाँ पर, फील्डर मौजूद, देखना होगा किया है। तो यहाँ पर उस्मान शाह काम हो रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर तौफीक आए बॉलिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी उस्मान लाला, तो दो उस्मान आए हैं, उस्मान शाह और अभी स्ट्राइक करेंगे उस्मान लाला। हिट लगाने की जरूरत, यानी मैच ओवर होगा। यहाँ पर सिंगल की तो खैर है, लेकिन बाउंड्री जरूरत है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री की जरूरत। उस्मान शाह फिर से आए बैटिंग करने, उस्मान शाह ऑन स्ट्राइक्स, उनका सामना करेंगे तौफीक उमर का सामना करेंगे उस्मान शाह। फ्लैट डिलीवरी और उसको सिंगल के लिए खेला, लेकिन अच्छी बॉलिंग है वो तौफीक की, एज अ जहाँ फील्ड लिया वही बॉल कर रहे हैं उसी के मुताबिक, तो ये एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है। उस्मान लाला सिंगल की तो खैर है, लेकिन उस्मान लाला बिल्कुल इस बार गेम के लिए भी कामयाब हुए और अच्छी फील्ड यहाँ पर यकीन अपनी टीम के लिए यहाँ पर बचा है, बहुत अच्छी फील्डिंग, तो यहाँ पर सारे तमाशा को दाद देते हुए बहुत मुश्किल है यहाँ पर मैच में वापसी आना, लेकिन जिस तरह लग खेल लेते पहले इस तरह पहले खेला था खेले थे तो मैच लग रहा था वन साइडेड होगा, लेकिन यहाँ पर उलट हो चुका है, यहाँ पर यकीनन यहाँ पर मैच वन साइडेड होता हुआ। 18 में कितने 18 में 149 ओवर्स में 149, तो दो ओवर में 50 रन, दो ओवर में 50 रन चाहिए यहाँ पर शेरवानी स्पोर्ट को। अगर प्रिडिक्टिव अगर परसेंट देखा जाए तो 95% यहाँ पर
आसिम सिसी का वो यहाँ मैच जीत चुकी है 95%, लेकिन अभी 5% यहाँ पर कहना है कि शर्मानी जीत सकती है। तो 95% 50 रन दरकार उस्मान शाह। पहले मारता यहाँ पर उस्मान शाह ने 4 रन के लिए शॉट खेला, स्विंग शॉट यहाँ पर 4 रन के लिए 10 गेंदों पे 46 रन दरकार। क्रिकेट का गेम है, कुछ नहीं कह सकते। उस्मान शाह इस बार खेलने में कामयाब, 4 रन के लिए। तो अच्छे शॉट यहाँ पर उस्मान शाह के, 42 रन रह गए 9 बॉलों पे 42 रन। 6 रन के लिए, तो मैच अभी इंटरेस्टिंग होता हुआ 36 रन चाहिए 8 गेंदों पर। दोबारा आउट करने के लिए उसे भाई 11 ही खेले उनके, 11 ही अंदर है प्लेइंग 11, 11 ही खेले उनकी। मैच इंटरेस्टिंग होता हुआ 8 बॉल में 36 रन दरकार उस्मान शाह। और शॉट यहाँ पर 4 रन मिलेंगे, 4 रन तो बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर उस्मान शाह की। मैच लेकिन अभी एक्साइटिंग होता हुआ 32 रन चाहिए यहाँ पर 7 गेंदों पर 32। उस्मान शाह व्हाइट बॉल, तो यहाँ पर मैच कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ 31 रन दरकार 7 गेंदों पर। और अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर मौजूद आउट हो गए यहाँ पर उस्मान शाह। उस्मान शाह भी आउट हो चुके हैं, तो मैच अब 6 गेंदों पर 31 रन दरकार। मैच यहाँ पर यकीन 98% यहाँ पर कास्मी स्पोर्ट के हाथों में। कहाँ खेल रहे हो, फायदा किया मार दे पांच छक्के नहीं लगेगा, यकीन करो लगाएगा मेरे साथ लगाएगा। अकरम इसके ओवर चेक कराओ, इसके हाँ इसके ओवर चेक करो, ओवर वही के बैग ले जाओ, तुम भी बैग ले जाओ, मैं लेके जा रहा हूँ ठीक है। बाकी ये एक मिनट, ये एक मिनट ये ना, ये मुझे निकालना नहीं है, एक काम करो निकाल लो भाई, ऐसे हाथ से यहाँ पर 6 बॉलों पे 31 रन दरकार, कुछ ही नहीं कह सकते। पहला मार के तो सारे मार देगा।
चार रन के लिए। तो मैच अभी इंटरेस्टिंग होता हुआ। उस्मान लाला 27 रन चाहिए 5 गेंदों पर। उस्मान लाला की ने अपनी टीम के लिए बैटिंग करते हुए और चार रन। उस्मान लाला 2 छक्के 20 उस्मान लाला बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए लेकिन 4 बॉलों पर 23 रन दरकार। उस्मान लाला बोलो आउट हो गए यहाँ पर। उस्मान लाला आराम से वैसे भी कम है यहाँ पर तो यहाँ पर 3 गेंदों पर 23 रन दरकार। तो हम आपको नीचे लेके जा रहे हैं तो नीचे से दिखाएंगे क्योंकि अभी इसके बाद मैच सेरेमनी भी होगी। ये उस्मान लाला काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए और ये पवेलियन पे वापस जाते हुए उस्मान लाला तो मैच सेरेमनी आपको दिखाएंगे तो बहुत अच्छी सेरेमनी होगी यकीन। तो यहाँ हुसैन भाई लाइव यहाँ पर हुसैन भाई अपना मैच यहाँ पर छोड़कर इधर आए। तो बकाया दो पहले पर 22 रन करता। दो बोलो पे 22 रन चाहिए। बोल हवा में फील्डर बोल के नीचे आते हुए तो आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आखिरी बॉल 22 रन दरकार। ये मैच जीतने के लिए बस एक बॉल रह गई है। चले भाई वो लेके आ जाए इश्तियाक और इब्राहिम पेन फ्लिक लेके आ जाए। अच्छा शॉट फील्डर बॉल के नीचे जाते हुए क्वालिफाई किया है। आपको बताते चले काफी यहाँ पर 16 फरवरी के दिन यहाँ पर 12 बजे सीपीएल एडिशन नंबर 2 का स्टेज चलेगा। बच्चों से पीछे ग्राउंड के बाद कोई ग्राउंड के अंदर ये नहीं होगा। यहाँ पर फाइनल जीत चुकी है टीम कासिम सीसी जिनके स्पॉन्सर है चाफी साहब। यहाँ पर फाइनल में क्वालिफाई किया इन्होंने सेकंड सेमीफाइनल में। यहाँ पर क्वालिफाई किया काफी अच्छी यहाँ पर कम बैक किया यहाँ पर कासिम सीसी ने। नाइन रन का हैट्रिक पार्टनरशिप के बावजूद
है मैच सेरेमनी अभी स्टार्ट होने वाली है। दोनों टीमों से गुजारिश है कि लाइनअप हो जाए, दोनों टीमों से गुजारिश है कि लाइनअप हो जाए। बड़े मेहरबानी आप यहाँ खड़े हो, किसी को आने मत दियो। शेरवानी डॉल्फिन सभी भाई आ जाए यहाँ पर। दोनों टीमों से गुजारिश है कि लाइनअप हो जाए, बड़े मेहरबानी। क्राउड चेक कराने, काफी अच्छा ग्राउंड यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए आया था। और लेकिन और शर्वानी स्पोर्ट का बताते चले आपको, तो काफी अच्छी बैटिंग की थी यहाँ पर शर्वानी स्पोर्ट ने, तो मैं रिश्वत को काफी अच्छा स्टार्ट दिया था यहाँ पर, लेकिन नाकाम रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर अकरम भाई मैच सेरेमनी शुरू करते हुए, नहीं नदीम भाई आज के कॉमेंटेटर। नदीम भाई कुछ कहेंगे आप? कि बहुत मजा आया आज के मैच में, क्योंकि मैच यहाँ पर वन साइडेड कर दिया था शर्वानी ने, लेकिन क्रिकेट का गेम है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आसिम सिसी यहाँ पर मैच जीत चुकी है। हेलो शर्वानी डॉल्फिन के कप्तान से गुजारिश है कि टीम को जल्द। तो यहाँ पर आपको ट्रॉफी कुछ दिखा दे, यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज हैं और यहाँ पर वो दिखाया जाएगा। पहले जो दो नसीब निकलेंगे, तीन बहुत बड़ा क्राउड। कप्तान मोहम्मद नवाज से गुजारिश है कि बड़े मेहरबानी यहाँ पर आ जाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियां लूडर टीम के कप्तान के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद नवाज जिस तरह आपकी टीम को आज यहाँ पर फेवरेट समझा जाता था, लेकिन बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड के बावजूद आपकी टीम ने ये मैच आज लूज किया 21 रन के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि आपने मैच कहाँ से लूज किया? और यहाँ पर लूजर कप्तान अपने कुछ तासुरात बताएंगे, कहना चाहेंगे। और साथ साथ जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया डबल टीम और पासवी ने, तो उनके बारे में भी बड़े मेहरबानी मुख्तसर अपने ख्याल का इजहार करें। शबीर भाई की मेहनत है, अकरम भाई की और अकरम गबोल भाई की, और माशाल्लाह फाइनल और भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, तालियां। टीम के कप्तान मोहम्मद नवाज टीम है। तेरा नाम क्या है? तो सबसे पहले आज के हमारे नन्हे मुन्ने दादियाल के लिए ट्रॉफी, भरपूर तालियां का शेरवानी स्पोर्ट्स के दादियाल के लिए। आशारी साहब ट्रॉफी पेश करेंगे। नदीम भाई आप यहाँ पर आए ना? नदीम भाई यहाँ पर ट्रॉफी दी जा रही है यहाँ पर अंडर 12। तो उसके बाद ट्रॉफी का ऐवार्ड नन्हे मुन्ने प्लेयर के लिए शेरवानी डॉल्फिन को प्लीज का मुसफर अहमद, भरपूर तारी होनी चाहिए। नदीम भाई ट्रॉफी पेश करेंगे। नदीम भाई प्लीज। ये टेस्टी का डब्बा भी इसमें टोकन है, टोकन यहाँ पर वो देख ले, वो देख ले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज के मैच के बेस्ट परफॉर्मर 41 for 77 runs, लेकिन हार्ड लक अपनी टीम को मैच जितवा ना सके, प्लीज का भरपूर तालियों के लिए सवाल। उमेर यूसुफ, भरपूर तालियों उमेर यूसुफ के लिए। भाई गुड बैटिंग।
तो उसके बाद बेस्ट परफॉर्मर के बाद आज के मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस 18 बॉलों पर 54 रन और साथ साथ 3 विकेट लिए थे। बेहतरीन बैटिंग बेहतरीन बॉलिंग उनके लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज शफीन लाशारी की जानिब से। प्लीज काम भरपूर तालियों के साथ रिजवान भाई रिजवान भाई की काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर अब बात की जाए लूजर टीम के कप्तान रईस के लिए गिफ्ट प्लीज का मोहम्मद नवाज मजबूत तालियां शबीर भाई प्लीज का सिंधी टोपी तोहफा दिया यहाँ पर कप्तान को। तो पर मैं दावत दूंगा विनर टीम के कप्तान भरपूर तालियां आबिद कासमी के लिए। आबिद भाई ग्रेट आबिद भाई जिस तरह आज आपकी टीम की परफॉर्मेंस रही 199 रन का टारगेट उसके बाद बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद जिस तरह आपके बॉलर और फील्डर ने मेहनत किया तो आप क्या समझते हैं कि आज का मैच शेरवानी स्पोर्ट्स की टीम जो लूज कर गई है तो मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और साथ साथ सीपीएल एडिशन 2 की बात की जाए तो सीपीएल एडिशन 2 का टूर्नामेंट किस तरह लगा बड़ा मेहरबानी अपना मुख्तसर सा यहाँ पर राय दीजिए। एडिशन तो बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मैंने पहले भी यही बात करी थी लेकिन आज का जो टर्निंग पॉइंट था जो मैं मैच में इन किया तो वो मैं यूसुफ का आउट होना क्योंकि वन मैन शो था वो बच्चा जिसने बहुत अच्छी बैटिंग की और मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआओं में इनको शामिल रखूँगा कि इनकी टीम बहुत अच्छी है और आगे बहुत अच्छा खेलेगी। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आप विनर टीम को टोपी का तोहफा पेश करेंगे इम्तियाज जकरानी साहब प्लीज का इम्तियाज भाई भरपूर तालियां विनर टीम के लिए। तो अब यहाँ पर आज के मैच का मैन ऑफ द मैच के हकदार कौन बेहतरीन बैटिंग साथ साथ बेहतरीन बोले और कोई नहीं प्लीज का भरपूर तालियों के साथ मैन ऑफ द मैच यहाँ पर रिजवान भी के नाम तो यहाँ पर विनर टीम के नन्हे मन्ने प्लेयर मोहम्मद उस्मान के लिए ट्रॉफी भरपूर तालियां मोहम्मद उस्मान के लिए जैद भाई आप देंगे उनको ट्रॉफी। क्या बात है भाई तो मैं यहाँ पर विनर टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि बड़े मेहरबानी यहाँ पर आ जाए मोहम्मद रिजवान को ट्रॉफी पेश करें। विनर टीम के कप्तान आबिद कासमी प्लीज कम। तो साथ साथ मैं यहाँ पर लूजर टीम के कप्तान से लूजर टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि बड़े मेहरबानी यहाँ पर आ जाए और हमारी लेनी उन्हीं को यहाँ पर ट्रॉफी देंगे। लूजर टीम के कप्तान मोहम्मद नवाज भरपूर तालियां होनी चाहिए भाई। क्या बात है नवाज भाई
तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर। एक मिनट भाई, टीमें जा सकती है आप साइकिल के लिए। वे इधर इधर पीछे रहो, पीछे रहो। मोहम्मद इस्माइल यहाँ पर आ जाए। मोहम्मद इस्माइल तो आप यहाँ पर प्राइजेस होंगे शाइकी ने क्रिकेट के लिए 2000 देने थे। नहीं आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे तो अब एक शबीर अपना नदीम भाई आपका पहला शाइकी ने क्रिकेट वे आगे नहीं आ भाई पीछे शाइकी ने क्रिकेट के लिए 500 रुपए का इनाम। देखते हैं कि किसका यहाँ पर नाम निकलता है। शाहिद अप्पे शाइकी ने क्रिकेट 55 मुसम्मे 30 का भरपूर तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर शैकी ने क्रिकेट लिए कुछ इनाम कुकर की सूरत में। अपे पीछे हो जा, तू भी बच्चा बना हुआ यार पीछे। सही है बस। तो अब इसके बाद दूसरा शाइकी ने क्रिकेट दिल थाम कर बैठे। किसका नाम यहाँ पर पीछे पीछे भाई पीछे पीछे आवाज आएगी पीछे हो जाए यार। अप्पे एक बहुत बड़ा नाम इसमें शाइकी ने क्रिकेट बना हुआ है अप्पे आप देख सकते हैं। गुलाब भाई अबे तो कल भी था ये कल भी था कल भी यहाँ पर 500 जीते थे गुलाबो। तो अब नंबर 3 नंबर पीछे अबे तू भी आगे आ रहा है पीछे पीछे हो जाओ पीछे पीछे हो जाओ भाई आवाज आएगी। नंबर 3 पर आया है नाम जनाब मोहम्मद यूसुफ 49 पर्ची दिखाए नहीं ये पर्ची आप फिर आप आ रहा है 49 आ रहा है आ जाए जल्दी है ये तालियां बजा भाई तालियां आ जाए भाई। क्या बात है सर नदीम भाई आ जाए नदीम भाई 49 समर भाई से गुजारिश है कि यहाँ पर आ जाए समर प्लीज का नंबर 6 इजाज 10 नंबर 10 बूम नंबर 10 इजाज भरपूर तारी है यार। समर भाई प्लीज का पीछे हो भाई पीछे पीछे हो जो पीछे जो तो अब अक्रम ने गुजारिश है कि अक्रम अजरा प्लीज एक पर्ची उठाए। तो देखते हैं नंबर 8 पर्ची मोहम्मद खादिम काटी सीट 36 नंबर 30 काम कोई है काटी सीट मोहम्मद खादिम कोई है नहीं है ए, आगे आगे आए तालियां भाई तालियां तालियां देनी चाहिए भाई तालियां बराबर भाई
अब आएंगे नंबर 9।